अरे जनाब, उर्दू तो हमें आती नहीं, अगर नसरुद्दीन शाह वाली बातें करने तो शायराना उर्दू में हमें फील आ जाए। हम तो दिल के चक्कर में कभी पड़े नहीं, लेकिन डीडीएलजे में शाहरुख और काजल को देखता हूँ तो हमारी आंखें भर आती है। हमारा तो कोई अपना है नहीं, लेकिन आनंद में राजेश खन्ना को मरता देख कर हमें अपनों का एहसास हो जाता है। देखिए ना, ये बॉलीवुड वाले शायर ना होते तो हमारा दिल तो पत्थर का ही हो चुका था। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जिंदगी जीऊंगा तो एकदम बॉलीवुड वाली, एकदम फिल्मी। क्या तुम्हें मेरे सारे जिंदगी जीना पसंद करेगा? ठाकुर साहब, आपने जो मुझ पर ये लाचन लगाया है उसका फैसला तो भगवान ही करेंगे, लेकिन मैं साफ साफ आप सबको एक बात बता देता हूँ, ना तो मैं भगवान के फैसले का इंतजार करूंगा और ना ही ये कानून के फैसले का इंतजार करूंगा। जिसने भी मुझ पर ये घिनौना इल्जाम लगाया है उसको मैं 2-3 के अंदर लेकर आऊंगा। अगर मैं 2-3 के अंदर नहीं लेकर आया तो तीसरा दिन आप सब ठाकुर साहब को लेके मेरा मातम मनाने के लिए आ जाना। चलता हूँ।